जौर नालागढ़ रोड पर रेलवे लाइन के समीप शाम 4:30 बजे बड़े ट्राले का शाफ्ट टूट जाने को लेकर खराब हो गया, जिसकी वजह से वहां पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई। ट्रक चालक जाहिद ने बताया कि वह मोहाली से यह बड़ा ट्राला बद्दी की ओर फोकलेन मशीन लदाकर ले जा रहा था कि अचानक रेलवे लाइन पर पहुंचते ही इसका शाफ्ट टूट गया, जिसकी वजह से ट्राला वहीं रुक गया। जाहिद ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कंपनी को फोन पर सूचित कर दिया और कंपनी द्वारा जेसीबी को मौके पर भेजकर इसे यहां से हटाया जाएगा। इस ट्रक के रेलवे लाइन पर रुक जाने को लेकर कुछ ही मिनटों में भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई। लंबी लंबी कतारों में वाहन लग गए। इसके साथ ही बड़ी समस्या तब पैदा हो गई जब उक्त लाइन से 4:55 पर ट्रेन गुजरनी थी, परंतु ट्राला खराब हो जाने को लेकर फाटक लगा पाना मुश्किल था, जिस वजह से लोगों की आवाजाही नियंत्रण करने को लेकर मौके पर रेलवे पुलिस फोर्स के जवानों और हरियाणा पुलिस फोर्स ने टेम्परेरी संगल लगाकर और लोगों को रोककर ट्रेन की क्रॉसिंग करवाई। इस मौके पर आरपीएफ के एएसआई सुरेश, कांस्टेबल नरेश व हरियाणा पुलिस के एसआई धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे। ज्ञात रहे कि पिंजौर नालागढ़ रोड पर आरओबी का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसको लेकर ठेकेदार द्वारा रेलवे लाइन के समीप डायवर्जन मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बनाया गया है, परंतु उसे रेलवे विभाग द्वारा पास ना कर अभी तक खोला नहीं गया है। अधर में लटके आरओबी निर्माण कार्य को लेकर पहले ही यहां पर प्रतिरोध जाम जैसी स्थिति बनी रहती है और आए दिन मार्ग पर इस तरह ट्रक व हैवी वाहनों का खराब होने से जाम की और भी समस्या पैदा हो जाती है, जिस वजह से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए 21 जुलाई 2022 को खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचे थे, परंतु अभी तक भी कार्य को कोई गति नहीं मिल पाई है। जब से इस मार्ग पर यह निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक उक्त मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिंजौर नालागढ़ रोड पर कई बड़े स्कूल भी स्थित हैं। इसके साथ ही बद्दी की ओर नौकरी के लिए जाने वाले लोगों को भी यहीं से आवाजाही करनी होती है और हैवी व्हीकल भी यहां से गुजरते हैं, जिस वजह से प्रतिदिन हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही यहां पर लगी रहती है। हैवी वाहनों की वजह से हर समय इस मार्ग पर जमे जाम में फंसे हुए वाहनों को आसानी से देखा जा सकता है। लोगों ने भी अधर में लटके आरओबी निर्माण कार्य के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है और कहा कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाया जाए और लोगों को राहत की सांस दिलवाई जाए। जाहिद कहां से आ रहे थे? मोहाली से आ रहा था। क्या कौन सा क्या लेकर ट्रैक ले आ रहे थे आप? नहीं सर, ये पोकलन लेकर जा रहा था। तो क्या हुआ फिर? ये इसका सापट टूट गया सर। तो फिर आपने किसी को फोन किया? हाँ, अपने कंपनी को फोन किया था सर। क्या कहते हो? बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ जेसीबी के साथ। जैसे कि जेसीबी है और यहाँ रेलवे का है, ये फिर भी फंस रहा है, क्या निकल जाएगी? ऐसे निकल जाएगा अभी 10 मिनट में सर। अच्छा, अगर टाइम 10 मिनट। कितने बजे करीब आए आप? आइए सर, कितना टाइम हो गया इसका कटे? 10 या 12-13 मिनट, 15 मिनट के आसपास हुआ है सर। लेके जा रहे थे इसको बद्दी? मोहाली से आ रहे थे क्या? मोहाली से आ रहे थे।